हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ एंड न्यू ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भारत वर्सेस यानी कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो T20 मैच शुरू होने वाले हैं। तो टीम इंडिया का स्वागत किया गया है ग्वालियर में यानी कि मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में खेले जाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ T20, 3 T20 मैच खेले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इससे पहले ये वाला एक वीडियो जो हम बना के डाले थे, पूरा शेड्यूल बता दिए हैं दोस्तों आप सभी को कि कब कब ये मैच खेले जाएंगे। ठीक है, डेट भी बता दिए हैं। ठीक है, हर ग्वालियर में खेले जाएंगे, स्टेडियम सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है टीम इंडिया का स्वागत किया गया है टीम इंडिया का, ठीक है, ग्वालियर में। यहाँ की आप देख सकते हैं सभी एक एक टीम जो है बस पे चढ़ जाते हैं और ये होटल के लिए रवाना होते हैं ग्वालियर के लिए। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे हो, ठीक है ना, वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ अगर आप लोग नए आए हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो जितना ज़्यादा हो सके। आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों आप सभी का, सिर्फ 2 मिनट 58 सेकंड का। और यहाँ आप देख सकते हैं सभी पुलिस की गाड़ी जा रही है और पीछे में है टीम इंडिया की बस। ठीक है, देखिए गाड़ी जो है निकल रही है। ठीक है, जीप है, जो फैन है, हर एक चीज़ है। ठीक है, तो जो है जो टीम इंडिया, जैसे कि आप पीछे में देख रहे हैं बस जैसा फैन जैसा छोटा आ रहा है, वो जो है टीम इंडिया का बस है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यही है टीम इंडिया, इसमें टीम इंडिया बैठे हैं इसी बस में, इसी छोटे वाले बस में। ठीक है, ये सब जो है ग्वालियर पहुंच गए हैं। और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जो न्यू अपडेट हम आपको अब जो दे रहे हैं ये ग्वालियर वाला वीडियो, ठीक है, ग्वालियर में खेले जाएंगे ये वाला मैच। ठीक है, 3 T20 मैच दोस्तों। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बगल में होगा सब्सक्राइब का बटन, उसे सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, फिर चलेंगे, फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ न्यू अपडेट के लिए। तभी के लिए बाय बाय।